Hello, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and I hope you all are doing good. I hope you all are very, very fine and Diwali is approaching. So I suppose जो festive season होता है वो अपने आप में बहुत सारी positive energy लेकर के आता है. So I hope कि you all are also having or keeping up with that energy. But then at the same time पढ़ाई ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी हम साथ में करते रहेंगे. अदर देन दैट चिल्ड्रेन, इस बार की दिवाली में आई गेस क्रैकर्स वगैरह बर्स्ट करना शायद मना है, तो नॉनदलेस हम लोग दीप जलाएंगे, राइट? सो विद दैट नोट चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. आज हम लोग सिक्स स्टैंडर्ड का लेक्चर, ये जो प्रेजेंट लेक्चर है दैट इज़ फॉर सिक्स स्टैंडर्ड. एंड यहाँ कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सिक्स टू एट में स्कूल लेवल, मतलब बेसिकली सिक्स टू टेंथ का जितना स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होता है, सिक्स टू एट के ओलंपियड एग्जामिनेशंस होते हैं, उस सब की तैयारी हम लोग यहाँ पर करवाते हैं. अदर देन दैट, उसके अलावा यानी कि जो कोर्सेज हैं वो यहाँ मेंशन है जिसकी भी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, दैट इज NTSC, NSE, JS, PRMO, सिक्स टू टेंथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. सो लेट मी सी इफ दिस रिमोट इज वर्किंग ऑर नॉट, तो मुझे आसानी से आगे स्लाइड्स करने में आसानी रहेगी. सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज ऑन सिमेट्री. सिमेट्री का फर्स्ट लेक्चर हम लोग आज पढ़ेंगे फॉर क्लास सिक्स. अब उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियसली वील स्टडी. कभी कभी ऐसा स्टैमर हम लोग कर देते हैं, बट कोई बात नहीं. सो वील स्टडी अबाउट सिमेट्री. ओके, सो सिमेट्री होता क्या है, फिर उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर सिमेट्री जो होती है वो, देन लाइन ऑफ एक्सेस, लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट? ये सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे चिल्ड्रन. सो मेरी इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे चिल्ड्रन. दिस इज़ आर वेरी ओन टीम, आप लोग सब जानते हैं. दिस इज़ मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज सिक्स टू एट मैथमेटिक्स. दिस ऑल्सो यू नो दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. सो दिस इज़ फॉर सिक्स स्टैंडर्ड, सो यू आर सपोज टू जॉइन TTB 06, वेर इन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स, कमेंसमेंट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स और एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ टू बी गिवन रिगार्डिंग द लेक्चर्स, यू विल गेट इट ऑल. Clear children? So moving on, this is our website talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको दो packages दिखेंगे. The pricing is same for 6 to 8, right? So this is the complete package which contains the study material as well as the test series and other things are mentioned, other inclusions are written there. And again, the second package is the package for test series, which is again for 3500. Now both these would come down to their respective prices, means there will be a discount of 30% after you use my code AVLIVE. So this complete package would be for 6300. Again, I told you what all things are there, and the second package would be for 2450. And other than that children, important part is that video lectures, anyways video lectures and these bi-weekly quizzes would be free. You can explore them anytime you want, you can go through them anytime you want. And bi-weekly quizzes are basically Olympiad level questions children, so I would ask you, I would request you to please start giving at least these, right? Kam se kam ye to dena start karo hi sahi, so that at least you'll understand whatever you're studying in the daily routine, whether you're able to gain that or not. Clear? कुछ और क्वेरीज है, कुछ आपको फीडबैक देना है रिगार्डिंग द लेक्चर्स या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो प्लीज़ यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. अदरवाइज भी इफ यू हैव एनी अदर डिफरेंट क्वेरीज, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आस 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वॉज इट, लेट्स स्टार्ट विद अ लेक्चर फॉर टुडे. सो आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री. क्लियर? सो इसका जो प्री रिक्विजिट है वो यही है कि इसके पहले वाले जो दो लेक्चर्स हैं जो हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, जब हमने कुछ सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स जो थे, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ जो थे उसके बारे में पढ़ा, किस तरह से मेजर करते हैं ये सब चीज़ें, राइट? और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमने कुछ शेप्स के बारे में पढ़ा, कुछ 2D शेप्स के बारे में पढ़ा, 3D शेप्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनका यूज़ पढ़ा, राइट? तो वो थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए. जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है, इस चैप्टर के बाद डेफिनेटली आप लोग थोड़ा पर्सपेक्टिव जो होगा आपका टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द नेचर, वो थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा,
मतलब इट विल बी मोर ब्यूटिफुल, लाइक यू विल बी एबल टू सी, यू विल बी एबल टू रिलेट मैथ लाइक अराउंड यू एंड हाउ दैट वील सी, वील ग्रेजुअली सी ऑफकोर्स. सो दिस इज द थिंग चिल्ड्रन. सो सिमेट्री, वेन वी टॉक अबाउट सिमेट्री, so what is it? See, symmetry refers to the exact match in shape and size between two halves of an object. That is, if we fold a picture in half and both the halves left and right half match exactly, then we can say the picture is symmetrical. So symmetry क्या होती है children? जैसे अब यहाँ पे कुछ images दे रखी है, ठीक है. अब इन images को मान लो ये एक image है. अब this is let's say an apple, right? Or a tomato. So what you're going to do is a picture of tomato, not a real tomato. Okay. So when you fold it, towards this line, right? This line ke around, if you fold it, so it will completely, like this left side would completely go on the overlap on the right side. मतलब left side जो है वो completely overlap हो जाएगी right side के ऊपर, right? राइट साइड के ऊपर ही कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाएगी. लाइक ऐसा कुछ पॉइंट नहीं होगा जो बाहर से ऐसा दिख रहा होगा, अलग से दिख रहा होगा, कम्प्लीट ओवरलैप. तो दिस इज नोन एज सिमेट्री. जब आप इस तरह से बीच में एक लाइन बना सको और वो एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाए, देन दैट इज नोन एज सिमेट्री चिल्ड्रन. तो लाइक दीज आर फ्यू फिगर्स, दीज एक्चुअल में नहीं. जैसे एक्चुअल में हमें कहाँ कहाँ देखने मिलता है, लाइक इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में ऑफकोर्स इन अ टोमेटो, वैन यू गोइंग टू सी अ टोमेटो और वो कट करो उसको बीच में से, इस तरह से कट करोगे या इस तरह से लाइक वर्टिकली, राइट? वर्टिकली अगर कट करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अ बटरफ्लाई, राइट? सो ऑल दीज आर वॉट, दीज आर सिमेट्री. तो सिमेट्री इज बेसिकली वॉट, कि जब आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, चाहे वो रियल में ड्रॉ करो, मतलब एक पेपर पेन पे बना रहे हो, या रियल में कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट योर टेबल इट्सेल्फ, जो आपकी टेबल है उसको भी आप बीच में हाफ लाइक यू कैन ड्रॉ अ लाइन. ब्रेक करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है. बट इवन इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक इट लाइक इन द मिडल, मिडल में अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट? इक्वल हाफ्स बन जाएंगे, मतलब वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएगी. सो दैट इज नोन एज सिमेट्री. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन कि किस तरह से जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ के ऊपर इस तरह से सुपर इम्पोज हो गया, ओवरलैप हो गया. जब ऐसे इमेजेस ओवरलैप हो पाती हैं, देन दैट इज नोन एज सिमेट्री. मतलब दैट, तब उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर नहीं, मतलब नेक्स्ट पेज, सॉरी. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री. अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, कि जैसे देखो, इफ वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट द मिडल, द पोर्शन ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन आर आइडेंटिकल. सिमिलरली इन नेचर वी फाइंड मेनी फ्लावर्स, लीव्स एक्सेट्रा दैट हैव टू आइडेंटिकल साइड्स इफ वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ देम. सो अगर मैं पर्टिकुलरली, जैसे सिमेट्री में भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, मिरर सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है, राइट? तो अगर अब मैं उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करूँ, तो एज द नेम सजेस्ट, मतलब बीच में एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उसके राउंड अबाउट वो क्या है? सिमेट्रिकल है. मतलब लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, शेप साइज सब कुछ सेम है, तो वो क्या कहलाता है चिल्ड्रन? दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री. मतलब बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ करी, समझ रहे हो? रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है चिल्ड्रन, कि जब हम वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड जो बनती है वो दोनों आइडेंटिकल होती है, वो दोनों आइडेंटिकल होती है एक दूसरे के शेप साइज में. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो उस फिगर में, उस पर्टिकुलर फिगर में क्या है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री. देखो जैसे एक फ्लावर का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे आप किसी भी एक्सिस पे देख सकते हो. जैसे यहाँ स्ट्रेट एंगल हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रेट वर्टिकल साइड देख रहे हैं, तो वर्टिकल पे अगर आप देखोगे, सेकेंड चिल्ड्रेन, दिस इज अ प्रॉब्लम विथ टेक्निकल थिंग्स, कभी कभी हो जाता है, बट कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू. आ गए, वी आर बैक, वी आर बैक. सो यहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये पेटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी. सिमिलरली अगर हम इस बटरफ्लाई को देखेंगे, तो बटरफ्लाई के मिड में अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे भी इसका राइट और लेफ्ट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन? सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे. सेम इज द केस हेयर एज वेल. अब यहाँ पे भी एक
वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है, लेफ्ट को आप राइट पर सुपर इम्पोज कर दो, आसानी से हो जाएगा। मतलब ये क्या शो कर रहा है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है। आज बहुत ज़्यादा जो टंग है मेरी वो स्लिप हो रही है, स्लिप ऑफ टंग, कोई बात नहीं। सो दिस इज वॉट वॉज आई सेइंग, सो दिस पर्टिकुलर इमेज इज शोइंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उसमें क्या हुआ कि मुझे दो आइडेंटिकल शेप्स दिख गए, लेफ्ट और राइट। राइट, सेम इज द केस हेयर इज वेल। जैसे ही इमेजेस है, अगर अपन देखेंगे, दिस इज अ स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर में मैंने बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी इन द मिडिल, अब मुझे लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो होगी। सेम इज द केस विद दिस स्टार, अब इस स्टार के अंदर भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो हो रही है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करी तो वो सुपर इम्पोज हो रहा है, राइट। मतलब आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट में। अगेन विद दिस हार्ट शेप, दिस इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग। देन इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में भी अगर मैंने मिड में एक सिमेट्री रिफ्लेक्शन, लाइक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है और उसमें लेफ्ट और राइट में अगर ये दोनों आइडेंटिकल शेप शो कर रहे हैं, इसका मतलब दिस फिगर इज शोइंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्लियर है चिल्ड्रन? दिस फिगर शोइंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्लियर? सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। प्लीज चिल्ड्रन, इसको भी कॉपी कर लो एक बार ही, तो वेयर इज इट, कॉपी दिस डाउन एंड देन द नेक्स्ट पेज एज वेल, उसको भी कॉपी करना है अपने को, दिस एज वेल। फिगर्स ऑब्वियसली आप ये बना नहीं पाओगे, यू वोंट बी एबल टू मेक दीज, बट यू कैन मेक दीज, राइट। ये फ्लावर्स और ये सब बनाने की जरूरत नहीं, दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू विजुअलाइज इन द नेचर। मतलब आज जाओ गार्डन में जाकर के देखो, राइट, आपकी बालकनी में फ्लावर्स अगर रखे हैं तो उनको देखो, ऑब्जर्व देम, ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू, यू विल बी एबल, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी सिमेट्री अराउंड यू, राइट। सो आई होप यू हैव कॉपीड इट। नेक्स्ट चिल्ड्रन, मिरर सिमेट्री। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मिरर सिमेट्री। सो रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज अ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन इफ अ मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन एट द मिडिल। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री में तो क्या था चिल्ड्रन, कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब वो बीच में जो लाइन ड्रॉ करी है ना, उसकी जगह हमने एक मिरर रख दिया है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे बीच में, जिससे वी वर सपोज टू सी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, उसकी जगह पर वी हैव प्लेस्ड अ मिरर नाउ, राइट। सो उस मिरर के प्लेस करने से मुझे जो बाकी बचा इमेज है ना, बाकी बचा हुआ जो इमेज है, वो पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखना चाहिए। अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब वो फिगर क्या शो कर रही है, मिरर सिमेट्री शो कर रही है। और अगर वो कंप्लीट फिगर नहीं बना रहा है तो इसका मतलब वो मिरर सिमेट्री शो नहीं कर रहा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन एट द मिडिल, द हाफ पार्ट ऑफ द फिगर रिफ्लेक्ट्स थ्रू द मिरर क्रिएटिंग द रिमेनिंग आइडेंटिकल हाफ। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस ओनली चिल्ड्रन, कि अगर आप मिरर को बीच में रखोगे ना, तो वो क्या करेगा, द मिरर क्रिएटिंग द रिमेनिंग आइडेंटिकल हाफ। वो क्या करता है, वो दूसरा जो हाफ पार्ट है उसको वो बना देता है, इमेज उसकी दिखा देता है, मतलब एक तरह से वो उस फिगर को कंप्लीट कर देता है। तो जो भी फिगर्स ऐसे कंप्लीट हो जाती है ना मिरर के थ्रू, तो इसका मतलब ये है कि वो फिगर जो है वो मिरर सिमेट्रिकल है, ठीक है, इट इज शोइंग सिमेट्री मिरर। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, द लाइन वेयर द मिरर इज प्लेस डिवाइड्स द फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, दे आर ऑफ द सेम साइज एंड ऑल्सो एवरी स्पेसिफिक पार्ट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन विल हैव इट्स रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड, राइट। तो इस साइड पे जिस डिस्टेंस पर है, दूसरी साइड पे भी उसी डिस्टेंस पर ही वो होगा। नेक्स्ट इज सेज ऑन द लाइक हैव इट्स रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड, दस इट इज ऑल्सो नोन एज मिरर सिमेट्री और मिरर इमेज सिमेट्री। अब अगर मैं इन इमेजेस में देखूं, जैसे अल्फाबेट में अगर अपन मिरर इमेज लगाएं, मतलब आप कोई भी एक अल्फाबेट ले लो, ठीक है, और उसके सामने एक मिरर रख दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन मींस यहाँ पे एक मिरर रखा है, तो मिरर रखते ही क्या हुआ चिल्ड्रन, ये क्या था, दिस वाज, अब जैसे देखो सी और सी इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है, ये बीच में एक मिरर है, राइट। तो क्या हुआ, दिस वॉज द लेफ्ट पार्ट, दिस वॉज द राइट पार्ट।
अब मिरर इमेज में क्या होता है चिल्ड्रन कि वो इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इन्वर्ट एज इन ऑपोजिट कह लो, इन्वर्ट तो नीचे हो जाएगा, बट देन नॉनदलेस मैं सही वर्ड उसका निकालूंगी, बट देन हियर इट इज राइट। तो अब इसका जो राइट है ना चिल्ड्रन वो क्या हो जाएगा, वो इसका लेफ्ट हो जाएगा। जो इसका राइट है ना चिल्ड्रन वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, और जो इसका लेफ्ट है वो मिरर इमेज में राइट हो जाएगा। आए बात समझ में कि अगर मैं मिरर इमेज बना रही हूँ तो इसमें क्या होगा, कुछ सर्टेन वर्ड्स जब हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो वो क्या शो करते हैं, जो इसका लेफ्ट है वो इसका क्या बन जाएगा, जो इसका लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो इसका लेफ्ट बन जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि ये वाला जो पार्ट है इसका इस मिरर से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इस पार्ट का मिरर से डिस्टेंस होगा, दैट विल बी सेम। वो यही बोल रहा है, सी एवरी पार्ट ऑन द साइड ऑफ द लाइन विल हैव इट्स रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस, रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मिरर का मतलब ये है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो उनके क्या दिखते हैं, इन्वर्टेड, उल्टे दिखते हैं, ठीक है। वेयर एज कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं हमारे पास जिनको अगर हम मिरर इमेज, जिनकी मिरर इमेज अगर हम देखेंगे, आई होप ये विजिबल है, सो जिनकी मिरर इमेज हम लोग देखेंगे वो सेम ही होगी, एज इट इज ही शो कर रहे हैं। जैसे ए है तो ए विल बी सेम, राइट, एच विल बी सेम, आई विल बी सेम, एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। तो ये कुछ इमेजेस, ये कुछ वर्ड्स, ये कुछ लेटर्स ऐसे हैं चिल्ड्रन जहाँ पे मिरर इमेज क्या होगी, सेम होगी, राइट। जैसे अगर ए को ही मैं बताऊं, जैसे मैंने एक ए अगर बनाया तो इसकी मिरर इमेज भी चिल्ड्रन ए ही बनेगी, राइट, इट विल बी सेम, राइट, इट विल बी सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इट वॉन्ट बी इन्वर्टेड, इसमें इन्वर्ट नहीं होगी वो, ठीक है, मतलब इसका ऑपोजिट, ठीक, समझ रहे हो। अब इसमें देखते हैं, जैसे देखो ये P है, अब P का जो डिस्टेंस है यहाँ से, E एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर है, अब यहाँ से P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज सेम जो कि उसकी मिरर इमेज में यहाँ P डैश तक का है, ठीक है, दैट विल बी सेम। तो ये होता है मिरर सिमेट्री के अंदर, क्लियर है चिल्ड्रन, समझ गए आप लोग कि भाई डिस्टेंस मिरर के अंदर क्या है, एग्जैक्टली सेम इमेज बनती है मिरर के अंदर, और वो उस इमेज को अगर हाफ इमेज पे रख रहे हो तो वो उस इमेज को कंप्लीट कर देगा, और अगर इस तरह से रख रहे हो आप तो क्या है, जितना उसका मिरर से डिस्टेंस है उस इमेज का, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो उसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा, क्लियर है, प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। नेक्स्ट करें, ओके, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स चिल्ड्रन, मिरर इमेज के फ्यू एग्जाम्पल्स हैं ये। जैसे देखो अब यहाँ पे एक मिरर है, ये हाफ पोर्शन है, इसका मिरर इमेज उसने क्या किया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है, मिरर ने क्या किया, ये हाफ इमेज था उसको पूरा कंप्लीट कर दिया, राइट, एग्जैक्टली अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, जो इमेज में मुझे दिख रहा है, क्लियर चिल्ड्रन, दिस इज वॉट मिरर डज। अब यहाँ पे भी एक मिरर है, ठीक, तो ये जितना डिस्टेंस पर है एग्जैक्टली आइडेंटिकल इमेजेस बन रही है मिरर के अंदर और जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उसकी, राइट, क्लियर है, सो दिस इज वन थिंग। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स एज इन कुछ इमेजेस हैं, और आप ये कह सकते हो कि शेप्स, राइट, सो ये कुछ शेप्स हैं जहाँ पे हम लोग जो मिरर इमेज है, मिरर सिमेट्री है, उसको देख सकते हैं। सो मिरर सिमेट्री में क्या है, अगर मैंने वर्टिकल एक यहाँ पे मिरर रख दिया तो ये मुझे दो आइडेंटिकल शेप्स ही देगा, सेम इज द केस यहाँ पर भी, ये भी और ये भी। तो ये सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, यू कैन नॉट ड्रॉ दिस बट प्लीज ड्रॉ दीज चिल्ड्रन, इनको ड्रॉ कर लो क्योंकि दीज शो दीज एग्जाम्पल्स। देखो जैसे यहाँ पर भी पुराने वाले में कुछ अल्फाबेट्स थे जिनका मैंने बताया था जहाँ आप मिरर इमेज शो कर सकते हो, ये कुछ शेप्स हैं जहाँ पे आप लोग मिरर इमेजेस शो कर, मिरर सिमेट्री जो शो करते हैं, ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल विच शोज मिरर सिमेट्री।
आज थोड़ी सी मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, बट कोई बात नहीं. लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट चिल्ड्रन. कुछ चंद क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. अब वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन द ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, प्रोट्रैक्टर है. अब इसके अंदर सिमेट्री शो होगी या नहीं होगी, तो ऑफकोर्स होगी. अगर मैं वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है, तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी राइट, तो ये क्या बनाएगा, दो आइडेंटिकल शेप्स बना देगा. मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर. सेम इज द केस हेयर एज वेल, यहाँ पर भी मैं एक सिमेट्री बना, मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ अगर कर दूंगी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में हो गया ये भी, लेफ्ट और राइट. तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, करेक्ट. सेम इज द केस हेयर. अब आप चाहो तो इसको इस तरह से भी ले सकते हो, बट हम इधर अभी ऐसे ही लेंगे. ठीक है, मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी, मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो इसका राइट और लेफ्ट बराबर हुआ. अब यहाँ पर भी सेम इज द केस हेयर इधर, और ये एक पेंसिल है. अब पेंसिल के अंदर चिल्ड्रन, पेंसिल के अंदर वर्टिकल सिमेट्री में ड्रॉ नहीं कर सकती. वर्टिकल सिमेट्री क्यों ड्रॉ नहीं कर सकती, अगर वो शार्पन्ड नहीं है, अगर वो शार्पन्ड नहीं है, मीन्स इफ इट इज लाइक दिस, तब तो मैं ड्रॉ कर दूंगी, देन इट इज फाइन. बट इफ इट इज लाइक दिस, तो फिर मैं वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकती. क्यों, क्योंकि क्या है, ये इज लेफ्ट इक्वल टू राइट, क्या ये लेफ्ट राइट के इक्वल है, नो इट इज नॉट, बिकॉज दिस इज शार्पन्ड एंड दिस इज नॉट. सो अगर मैं सुपर इम्पोज करना चाहूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, दैट इज वाई लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू राइट. तो यहाँ पे शार्पन्ड पेंसिल के लिए इट वॉन्ट बी ट्रू, बट फॉर अनशार्पन्ड पेंसिल यहाँ पे सिमेट्री ड्रॉ होगी. और अगर इसके लिए ड्रॉ करनी है सिमेट्री, तो फिर वर्टिकल नहीं होकर के और हॉरिजॉन्टल होगी. कैसे, देखो, इट विल बी लाइक दिस, देन इस तरह से इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री शो होगी. ठीक है, इज दिस क्लियर, प्लीज ड्रॉ इट चिल्ड्रन, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट, यह भी ऐसा ही कुछ बोल रहा है, व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिकल शेप्स. अब इसमें सिमेट्रिकल शेप्स कौन कौन से हैं, सो इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, अगर मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री या वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, तो ये मुझे दो आइडेंटिकल शेप्स दे रहा है राइट. अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो भी ये मुझे सिमेट्रिकल शेप दे रहा है. ऑल दो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन, नंबर ऑफ, जैसे किसी भी सर्टेन इमेज में एक से ज्यादा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो उसे, या लाइन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले क्या होता है वो तो हम खैर अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट देन क्या किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है या एक ही आ सकती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. ठीक है, तो मतलब दिस इज अ सिमेट्रिकल शेप, कहने का मतलब ये, यहाँ पर अगर मैं इसके एकदम सेंटर में एक ड्रॉ करती हूँ लाइन, तो ये भी क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिकल सिमेट्रिकल शेप राइट. यहां पर इफ आई ड्रॉ इट हेयर लाइक दिस, ऐसे अगर मैंने सिमेट्री ड्रॉ करी, ऐसे भी बन सकती है. ठीक है, पॉइंट ये है कि मुझे सिमेट्री का मतलब क्या है, कि भाई दो आइडेंटिकल शेप्स हैं, दो आइडेंटिकल शेप्स हैं, एक दूसरे पे एकदम सुपर इम्पोज हो सकते हैं, सेम साइज है, सेम शेप है, कोई उसमें अलग अलग नहीं है. तो अब ये क्या है, चाहे मैं ऐसे बनाऊं तो भी क्या है, सुपर इम्पोज हो तो जाएंगे इसे. अब यहाँ पर भी अपन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट. ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल ही बनेगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकती. ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकती, यहाँ पे वर्टिकल ही बनेगी. सो इसका मतलब ये सारे केसेस क्या हुए चिल्ड्रन, सारे ही केसेस सिमेट्रिकल हुए. हमने देख लिया कि वो कहाँ कहाँ सिमेट्री बन रही है उसकी, बट ये सारे ही सिमेट्रिकल हुए. क्लियर, नेक्स्ट करते हैं अपन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिकल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर.
Let me draw it a big, little bit bigger. ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, ऑल्दो ये दिख नहीं रहा है, बट इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है चिल्ड्रन? सिमेट्री बिल्कुल डेफिनेटली है, इट इज सिमेट्रिक. सी मैंने बनाया, तो अब ये, अब सिंस दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, राइट, और यहाँ पर भी लाइन ये क्या है, मैं अगर यहाँ वर्टेक्स से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूंगी या मीडियन ड्रॉ करूंगी, तो मीडियन क्या कर देगा, इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा. सो दिस इज बेसिकली वॉट, यस इट इज अ सिमेट्रिकल फिगर. नेक्स्ट एन आइसोसेलीस ट्रायंगल, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज एन आइसोसेलीस ट्रायंगल. अब इसमें ये लाइन और ये लाइन बराबर है एक दूसरे के, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के बराबर है. अब अगर मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्यों नहीं चिल्ड्रन, क्यों नहीं ये सुपर इम्पोज होगा? बिल्कुल हो सकता है, राइट, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर इक्वल. सो एनी वेज यहाँ पे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल. सो अगेन एन आइसोसेलीस ट्राइंगल इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन. ठीक है, वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करी तो स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल कैन नेवर बी दिस चिल्ड्रन. थर्ड देखो इस तरह से बनाती हूँ मैं, रुक जाओ उसको. अब देखो स्केलिन ट्राइंगल है, अब स्केलिन ट्राइंगल में कुछ भी इक्वल नहीं है, राइट, सो यू कैन नॉट ड्रॉ इसमें किसी भी तरह से आप इसको इक्वल नहीं बना सकते, मतलब इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. सिमेट्रिकल ये ना एक्स एक्स सॉरी ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली, कैसे भी इसको हम सिमेट्रिकल नहीं बता सकते. सो स्केलिन ट्राइंगल इज नॉट, इसको अपन दूसरे कलर से कर देते ताकि अपने को याद रहे, नॉट सिमेट्रिकल. ठीक है, ऐसा लिख देते हैं. देन नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वॉट, अ रेक्टेंगल. ऑफकोर्स रेक्टेंगल होगा चिल्ड्रन, क्यों नहीं होगा? देखो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन गए. ऑफकोर्स रेक्टेंगल इज अ सिमेट्रिकल फिगर. रॉम्बस, अब रॉम्बस बनाएंगे अपन. ठीक है, रॉम्बस बनाया अब मैंने अगर, और इसमें अब देखो रॉम्बस में इसके जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स के राउंड अबाउट ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, दिस विल बी सुपर इम्पोज, मतलब इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, बराबर होगा यहाँ डायगनल के करस्पॉन्डिंग. तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या है, सिमेट्रिकल है अलॉन्ग इट्स डायगनल्स. ठीक है, सो रॉम्बस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल. देन वी टॉक अबाउट स्क्वायर, सिक्स्थ इज स्क्वायर. तो स्क्वायर तो ऑफकोर्स हो गई, डेफिनेट सी बात है, स्क्वायर वुड बी सिमेट्रिकल, स्क्वायर सिमेट्रिकल होगा. ठीक, अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा, हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि कितनी सिमेट्री, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगनल ये वो, इस सब की बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो फिगर, पर्टिकुलर फिगर सिमेट्रिकल होगी या नहीं होगी. क्लियर है? नेक्स्ट चिल्ड्रन, सो इट विल बी देयर. अ पैरेललोग्राम, लेट्स टॉक अबाउट अ पैरेललोग्राम. अब चिल्ड्रन पैरेललोग्राम कैसे भी वो नहीं हो सकता, मतलब पैरेललोग्राम कैन नॉट बी सिमेट्रिकल. क्यों? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ अ लाइन है, क्या ये मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है? सुपर इम्पोज करो इसको, सुपर इम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सेकेंड, इस तरफ देखो, ऐसे देखो इसको, अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना चाहूँ, हॉरिजॉन्टली भी क्या ये ओवरलैप कर पा रहा है? नहीं. तो इसका मतलब पैरेललोग्राम इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? देखो अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, दिस इज क्वाड्रिलेटरल इज एट, दिस इज सेवेंथ. ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल मान लो मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया. अब ये किस एंगल से सिमेट्रिकल दिख रहा है? कहीं से भी नहीं है ना. आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल ना डायगनल, कैसे भी दिस वोंट बी सिमेट्रिकल. दिख रहा है हमको ये?
राइट, सो दिस वोंट बी सिमेट्रिकल, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं हुआ. सो यहाँ पे भी अपन लिख देते हैं नॉट. रेगुलर पेंटागन, चिल्ड्रन इफ यू रिमेम्बर, तो पेंटागन क्या होता है, फाइव साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है. रेगुलर जब भी लग गया, रेगुलर मतलब उसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, साइड सारी इक्वल होंगी उसकी, सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे आपस में, ठीक है. यही हमने पढ़ा था. सो हम लोग बनाते हैं पेंटागन, पेंटागन की बात हो रही है, ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ अ पेंटागन. चिल्ड्रन यू कैन यूज, यू कैन नहीं मतलब यू हैव टू यूज स्केल एंड पेंसिल. प्लीज यूज स्केल एंड पेन और पेंसिल, वट एवर दैट यू आर यूजिंग, बट यूज स्केल, राइट. सो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रेगुलर पॉलीगन. एंड इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग एज सच, लुक से इतना वो नहीं हो रहा है, बट देन इट इज सुपर इम्पोजिंग ऑन द अदर वन, दैट इज वाई यहाँ पे सिमेट्री होगी. सो दिस इज अगैन अ सिमेट्रिकल फिगर. रेगुलर हेक्सागन भी बिल्कुल होगा चिल्ड्रन, रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लो, ठीक है. ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, यहाँ बना देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे ऑल दो दिख नहीं रहा है, बट देन अगेन इट इज अ रेगुलर पॉलीगन. सो अब मैं यहाँ से एक सिमेट्री ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, राइट. सो अगेन दिस बिकम्स अ सिमेट्रिकल फिगर. सर्कल, सर्कल तो डेफिनेटली सिमेट्रिकल होता है ये चिल्ड्रन, सर्कल ड्रॉ करो, राइट. अब ये सिमेट्री बना सकते हो, ये सिमेट्री बना सकते हो. सर्कल में इनफाइनाइट सिमेट्रिकल लाइंस हो सकती है, राइट. जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है सर्कल के अंदर इनफाइनाइट होती है, बट देन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना कि इट इज सिमेट्रिकल, ठीक. देन सो इट इज सिमेट्रिकल. सेमी सर्कल बनाओ. अब सेमी सर्कल अगर बनाया, ये भी सिमेट्रिकल, इट इज प्रोट्रैक्टर ओनली, नो प्रोट्रैक्टर ही तो है, सो इट इज सिमेट्रिकल, राइट. तो ये भी क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ चिल्ड्रन. प्लीज कॉपी इट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर सिमेट्रिक और नॉट, ठीक है. इसको भी अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं. सो लेट्स ड्रॉ. मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, इज इट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, नहीं है ये. ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लेकर के आती हूँ, सुपर इम्पोज करती हूँ, तो ये लाइन इस तरफ चल जाएगी, दिस लाइन इज गोइंग टू गो डाउन, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं हुआ. इसको इसको देखते हैं, दिस विल बी सिमेट्रिक, ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, बट देन दिस विल बी सिमेट्रिक. इसके लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, वही एक शार्पेंड निब, शार्पेंड पेंसिल हो गई या निब हो गई, जो इंक पेन की नेब होती है, तो यू कैन नॉट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टली ही ये सिमेट्रिक हो सकती है. दिस इज अ रेक्टेंगल, अगेन दिस विल बी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा. दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन चिल्ड्रन, सॉरी दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेगन, ये भी होगा, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, this will also be symmetrical figure. Next, find lines of symmetry. इसमें भी अपने को वही करना है, फटाक से कर देते हैं अपन इसके अंदर भी children. So यहाँ draw करो, चाहे straight draw करो, यहाँ पर you're going to draw. अब इसकी line of symmetry कैसे होएगी बताओ, अगर मैं ऐसे draw करती हूँ line of symmetry, तो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, circle बन गया, ठीक है. इधर करती हूँ तो क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. ऐसे ड्रॉ करूँगी तो भी ये नहीं होगा, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल. अगेन अबाउट दिस, दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल चिल्ड्रन, इसको भी आप सुपर इम्पोज करोगे तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल. अगेन दिस, येस दिस कैन बी सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल बन जाएगा. ये बन गया सिमेट्रिकल, ऑल दो टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा सा. ठीक है, सेम इज द केस हियर एज वेल, इसमें भी आप बिल्कुल ऐसे कर दोगे तो एक सिमेट्रिकल शेप बन जाएगा. सेम इज द केस हियर, इसमें भी ऐसा ही है,
ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बना दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी, यहाँ पे तो बनी हुई है ऑलरेडी, चलो कोई बात नहीं। सो अंडरस्टूड, इन दोनों में नहीं बनेंगे, बाकी सब में बन जाएंगे। ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है? यही होगा, चलो ठीक है। इनमें, इसमें और इसमें अगर और कुछ चेंज होगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी आपको, ठीक है। अगर इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस हुआ या कुछ इशू हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेटली कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक। नेक्स्ट, लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होता है चिल्ड्रन, सी दिस लाइन डिवाइड्स। अब अच्छा, अपन जो वो बोल रहे हैं ना, जो वर्टिकल लाइन है जो डिवाइड कर रही है किसी भी फिगर को, और वो आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो रही है, या हॉरिजॉन्टल लाइन है या डायगनल लाइन है, तो वो सब लाइंस जो हैं जो आइडेंटिकल पार्ट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसका नाम रख दिया हमने, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो दिस लाइन डिवाइड्स द गिवन फिगर इंटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स इफ अ फिगर इज फोल्डेड अलॉन्ग द लाइन ए बी, राइट। वन हाफ ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड एग्जैक्टली विद द अदर हाफ, इन अदर वर्ड्स वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। इन सच केसेस वी से दैट द फिगर इज सिमेट्रिकल, एंड इन सच केसेस वी से दैट द फिगर इज सिमेट्रिकल। जस्ट अ सेकंड, फिगर इज सिमेट्रिकल एंड द लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इंटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री और द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो अगर मैं बात करूँ, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है यहाँ पर, राइट, जो इसको क्या कर रही है, जैसे देखो येलो लाइन से लेते हैं, चलो लेट्स टेक इट लाइक दिस, ये वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो वर्टिकल ये क्या हो गई, ये एक लाइन ऑफ एक्सिस हो गई। देन नेक्स्ट इसको देखो, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये भी क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, सेम इज द केस। तो ये सारे लाइंस क्या होगी चिल्ड्रन, ये सारी लाइंस क्या होगी, जैसे इसमें, तो व्हाट इज दिस डूइंग, इफ यू आर एबल टू सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस फिगर को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये लाइंस जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस या डायगनल लाइंस है, वो क्या होंगी, दीज विल बी नोन एज लाइंस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, तो ये हम समझ गए, प्लीज कृपया इसको अपन छाप लें चिल्ड्रन, ताकि फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। मतलब कुछ भी नहीं है, जो लाइंस हम बात कर रहे हैं उसको लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, बस एक ही बात है। क्लियर चिल्ड्रन, कर लें इसको, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें इसकी पता करनी है, कितनी हो सकती है, ठीक है, कितनी कितनी हो सकती है। सो दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच कुड बी देयर, देन सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल है डायगनल में नहीं बनेगी, डायगनल वोंट गिव, यस डायगनल में नहीं बनेगी, यस ओनली जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है वहीं पर ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही होगी। देन इन दोनों का मैंने कहा था कि आई विल सी टू इट। नेक्स्ट, इसके लिए लेट्स टॉक अबाउट दिस, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इस तरह से होगी, ठीक
ठीक है, एक तो ऐसे हो गई, इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, फाइव पेटल्स आर देयर नो, यस ऐसे होगी चिल्ड्रन। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ऊपर थ्री और फाइव रह जाएगी, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी तो भी टू और थ्री रह जाएगी, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करूंगी तो भी टू और थ्री, ऐसे ड्रॉ करूंगी तो भी टू और थ्री, सो देर इज जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ही होगा, इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ही होगा, इसके मल्टीपल हो सकते हैं चिल्ड्रन। देखो लेट मी ड्रॉ, ऐसे होगा देन ऐसे होगा, फिर उसके बाद इसके अबाउट होगा, नहीं इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस तो भी एक आइडेंटिकल इमेज बनाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर एक बनेगी, यहाँ पर आइडेंटिकल इमेजेस बनेगी, क्लियर। इसके जो ये हैं वर्टिसेस, इसके थ्रू भी बनेगी, राइट, तो दीज ऑल विल शो द लाइंस ऑफ एक्सिस, सेम इज द केस हेयर एज वेल, यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ एक ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर है, इसमें एक ही ड्रॉ होगी, ठीक है। अभी के लिए हम इसमें वील जस्ट डील विद दिस, वील जस्ट डील विद द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वन, ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को ही देखते हैं, क्लियर है चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अब इसमें ट्राइंगल इन ईच केस ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी, लेट मी शो, इसको करते हैं अपन नेक्स्ट, पहले इसको कर लेते हैं, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल, तो हमें चेक करना है कि वेदर दीज आर सिमेट्रिकल शेप्स और नॉट, और उसकी सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री भी मुझे ड्रॉ करनी है, सो लेट्स डू इट। देखो इसमें तो मैं एकदम मिडिल में बना सकती हूँ, दिस इज इंट इन द मीडियल बट आई विल ड्रॉ इट, ठीक है, ये मिडिल में बन गया। नेक्स्ट, इसमें भी यहाँ पे एक लाइन ऑफ एक्सिस हो सकती है, यहाँ पे लाइन ऑफ मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दीज आर नॉट सेम, इसकी दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल, आप कैसे भी इसको ना तो हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली, आप कैसे भी इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री यू कैन नॉट ड्रॉ, इसके लिए डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ इट, वर्टिकल ड्रॉ हो जाएगी, इसमें कैसी होगी चलिए, इसमें हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल हो गए, इसमें वर्टिकल हो सकती है, राइट, फिर इसके अबाउट हो सकती है, यहाँ पे इस तरह से, तो ये कट कर देगी, इसको हाफ में कट करेगी, राइट, सो इट्स इट विल बी लाइक दिस, क्लियर है, बट देन दीज आर सिमेट्रिकल, सिर्फ एक ये है जो सिमेट्रिकल नहीं होगा, बाकी सब सिमेट्रिकल शेप्स हैं, क्लियर। कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, हमें इसको इस तरह से कंप्लीट करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है, मतलब जो ब्लू वाली लाइन है, वो हमें क्या दे, इट बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री, सो लेट्स कंप्लीट इट, ऑल दो यहाँ पे इस तरफ बना नहीं हुआ है, बट देन आई विल कंप्लीट इट एनी वेज, सो यू कैन डू इट आई सपोज चिल्ड्रन, इसको आप कर सकते हो इस तरह से ड्रॉ करके, यू कैन वेरी वेल मेक इट सिमेट्रिकल, ऑल दो ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा करके बना लेना, सो दीज आर टू लाइन्स,
टू लाइंस में, फिर उसके बाद इस तरह से टू लाइंस में बनेगा, देन टू लाइंस फिर से ऐसे हो जाएगी एंड ये फिर से टू लाइंस में ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज मेकिंग, बट ये कंप्लीट ही नहीं कर रहा है इसको, जस्ट अ सेकेंड, ज़्यादा ले लिया मैंने। So one line is already there and I'll take one more line and then it takes two lines and then it completes these two lines and then from here it joins here. यहाँ पे as it is इसको बनाया, फिर ये बनाया, then it is going two down, then it's going one up. What am I doing? What on earth am I doing? It is supposed to be made like this. Like this. How many dots are there? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, and 4 from here. Right? From here it should be made like this. कुछ तो गड़बड़ हो रही है children. कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में करवा दूंगी. I'll make you do it some other day children in the next lecture probably. इसको बाकी के कंप्लीट करने को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, नो इश्यूज विद दैट. ठीक है, ठीक है. मतलब ये बेसिकली टेढ़ा बनेगा चलो, अगर इस तरह से बनाना है तो ये तो टेढ़ा बनेगा, नहीं क्या है ना? बट कोई बात नहीं, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, इस तरफ से, यहाँ से ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा इसको स्टार्ट किया मैंने, है ना, फिर उसके बाद मैं ऐसा एक लेकर के गई, फिर उसके बाद मैंने दो ऐसा किया, फिर मैं ऐसा लेकर के गई, है ना, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैं एक ऐसा लेकर के गई, फिर मैंने इसको ऐसा जोड़ दिया. यस, आई मेड इट चिल्ड्रन, मैंने बना दिया इसको. ठीक है, लेट्स मेक दिस नाउ. ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया एंड देन इट्स गोइंग लाइक दिस with two blocks, right? With there it is going with two blocks like this, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये बन गया. अब इसको बनाना है, तो ये भी चिल्ड्रन कितने कितने उससे बना है ट्रायंगल से, ये कुछ यहाँ जाएगा इस साइड, देखो 1, 2 फिर यहाँ से ऐसा जाकर के फिर अंदर जाकर के, मतलब ये बाहर निकलेगा, ये वाला इमेज भी, इसको भी बना सकते हैं. यू कैन ड्रॉ दिस, दिस इज योर होमवर्क नाउ, यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट, ठीक है, और एल्स नहीं तो मैं नेक्स्ट उसमें तो बताऊंगी इसे. इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक. बहुत ही सिंपल है, ये तो आप बना ही सकते हो. एंड स्लाइड कितनी बार आ गया यार आज, है ना, एंड स्लाइड आज कितनी बार आ गई, बहुत बार, राइट? सो यू कैन ड्रॉ इट विद अ स्केल आई सपोज.
करेंगे यो। सो चिल्ड्रन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिमेन नोटिफाइड फॉर ऑल आवर अपकमिंग ऑसम वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड आज के लेक्चर के बाद चिल्ड्रन एक्सरसाइज वन जो है इस चैप्टर की सिमेट्री की उसको कंप्लीट करके और प्लीज़ गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।